गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टूडे वी विल नो अबाउट प्लैनेट अर्थ लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ एज इट इज ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ एज इट हैज एयर एंड वॉटर ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव ओनली ऑन अर्थ सो आवर मदर प्लैनेट इज अर्थ जीवन केवल पृथ्वी पर संभव है क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जल और वायु है मनुष्य जानवर और प्लांट्स ये सब केवल पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं इसीलिए पृथ्वी हमारी मदर प्लेनेट है आगे है एयर और अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमोस्फेयर एयर कंटेन्स इसल गैसेस That are needed to support life. All living being, including plants, need oxygen to survive. Plants need carbon dioxide also to prepare their food. Even the water animals breathe in oxygen present in water. हमारी पृथ्वी वायु रूपी ब्लैंकेट से गिरी हुई है, जिसे एटमोस्फेयर कहते हैं. वायु में बहुत सारी जरूरी गैसेस मौजूद होती हैं. जो जीवन को सपोर्ट करती हैं। सभी जीवित वस्तुएं और प्लांट्स इनके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जंतुओं के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन से सांस लेते हैं नेक्स्ट है वाटर वी कैन नोट लिव विदाउट वॉटर मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वॉटर इज फॉर ड्रिंकिंग द प्लांट्स नीड वॉटर टू प्रिपेयर देअर फूड एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर आर कोल्ड इक्वेटिक एनिमल दे डाई इफ दे आर टेकन आउट ऑफ वॉटर वी नीड वॉटर फॉर ड्रिंकिंग बाथिंग कुकिंग फूड क्लीनिंग एंड वॉशिंग पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं पानी पीने के लिए बहुत उपयोगी होता है प्लांट्स पानी की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं जो जंतु पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक यानी कि जलीय जंतु कहते हैं अगर उन्हें पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाते हैं हमारे जीवन के लिए पानी बहुत उपयोगी है हम पानी पीने के लिए नहाने के लिए भोजन पकाने के लिए साफ सफाई के लिए और कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टेम्परेचर एंड सीजंस ऑन अर्थ वी ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइट एंड डार्कनेस ऑन अर्थ एस डे एंड नाइट ऑल दिस चेंजेस अकॉर्ड टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ हम पृथ्वी पर अलग अलग तापमान और मौसम का अनुभव प्राप्त करते हैं साथ में हम अंधेरे और प्रकाश का अनुभव दिन और रात के रूप में करते हैं ये सब चीजें जो हैं पृथ्वी की मूवमेंट्स की वजह से होती हैं हमारी जो अर्थ है लगातार जो है ये घूमती रहती है ये दो तरह की मूवमेंट दिखाती है रोटेशन और रेवल्यूशन पहले हम बात करेंगे रोटेशन के बारे में द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस दिस मूवमेंट पार्ट ऑफ द अर्थ टू फेस द सन एंड अदर पार्ट टू रिमेन इन डार्कनेस दैट फेसिसन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट जब पृथ्वी एक टॉप की तरह अपने ही एक्सिस में घूमती है उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं इस मूवमेंट में जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ डे होता है और जिस तरफ अंधेरा होता है उस तरफ नाइट नाइट होती है। है है। है इस प्रकार हमें पता चलता है कि रोटेशन डे और नाइट का कारण नेक्स्ट सन इन एन एलिप्टिकल पाथ कोल्ड ऑर्बिट इट टेक्स 365 हंड्रेड सिक्स टू कंप्लीट वन फुल सन दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ

ये था चैप्टर द अर्थ आई होप यू अंडरस्टूड इट थैंक यू